हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताना चाहते हैं कि आपका जो है SBI क्लर्क का जो पेपर है आपका बहुत ही जल्द होने वाला है। कहने का मतलब अभी से मात्र आपके पास 30 दिन बचे हैं, ठीक है, 30 दिन बचे हैं। और ऐसे में उन सब टॉपिक पे आपको ध्यान देना है जो टॉपिक एग्ज़ाम में आता है, बस उसी पे आप फोकस कीजिए, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इस 30 डेज़ में अगर कुछ कर सकते तो वो है आप वोकैब को पढ़िए, ठीक है। वोकैब आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर किसी चीज़ से स्टार्ट करना है, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, तो पहला में से मेरा सजेशन होगा कि आप वोकैब को जो डेली 25-20 जो भी हो आप करते हैं रेगुलर बेसिस पे करिए। अगर दूसरा कोई चीज़ है, पहला तो वोकैब और दूसरा कुछ अगर स्टार्ट करना है तो आप एरर, ठीक है। तो वोकैब और एरर, ये दो चीज़ को आप अगर ये 30 दिन भी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका स्कोर आराम से इंग्लिश में 10+ हो जाएगा। क्योंकि देखिए, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, इंपॉर्टेंट चीज़ इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, क्या पढ़े, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वोकैब और एरर से स्टार्ट कीजिए। बाकी धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। पीओ का तो आपको पता है कि एग्ज़ाम कब से है, ठीक है, पीओ का एग्ज़ाम तो बताने की जरूरत भी नहीं होगा। और पीओ का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, ठीक है, पीओ का एडमिट कार्ड भी आ चुका है, ठीक है। और रहा बात क्लर्क का, तो क्लर्क का जो है कि आपका प्री एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आया, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड आ चुका है। और इसका मैंने वीडियो भी बनाया था, लेकिन बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं बोला था प्री एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड, उन्होंने समझ लिया कि क्लर्क का जो है एडमिट कार्ड आया, एक्चुअल जो एडमिट कार्ड है वो नहीं है। तो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का जो एग्जाम जो है वहाँ पे एडमिट कार्ड आया, तो जस्ट आफ्टर 1 वीक के बाद उसका भी आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे जो है 8-9 और आपका जो 15 कह सकते हैं कि 16 है, उसके बाद जो भी डेट में आपका पेपर होने वाला है, ठीक है, 8, 9 और 15, 16 है ना, इन्हीं 4 डेट में तो आपका पीओ का पेपर है। तो कह सकते हैं कि पीओ का पेपर अगर क्लर्क की बात करें तो ज़रूर 16 के बाद से कंफर्म है कि स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप देरी ना करेंगे, ज़्यादा यहाँ पे बहस नहीं करेंगे इस बात पे, इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि बस मेरा जो फोकस है वो है इंग्लिश को लेकर है। तो देखिए, एग्ज़ाम में अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पे आ रहा है आपका, जो एरर कह सकते हैं कि किस तरह से आ रहा है, या फिर हम कह सकते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट की बात करें तो कैसे आ रहा है। देखिए, न्यू पैटर्न इसमें किया गया है, न्यू पैटर्न के अगर इसको देखा जाए तो SSC के बेसिस पे, SSC का जो है आपका सिलेबस देखते होंगे PQR फॉर्म में रहता है, लेकिन अब उसको क्या किया है यहाँ पे क्लर्कल एग्जाम में भी इस तरह का प्री में डाल रहा है क्वेश्चन को, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल जो LIC AA का पेपर हुआ था उसमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को बना था। तो आपको कुछ खास इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, या रट लेवल के आएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल के रहेंगे प्रश्न। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको करके बताने वाला हूँ कि कैसे इसको करना है, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। पहला चीज़ यहाँ समझिएगा, आपको यहाँ पे 4 जो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन कहा गया कि द गिवन क्वेश्चन और स्टेटमेंट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स इज गिवन। द फर्स्ट सेगमेंट इज फिक्स्ड, पहला जो सेगमेंट कहा गया वो फिक्स है। अरेंज द अदर सेगमेंट टू फॉर्म अ कोहेरेंट स्टेटमेंट, जो कि आपका अर्थ जो कंप्लीट एक स्टेटमेंट देता है, एक कंप्लीट मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे छोड़ के जो बोल्ड में किया गया, ये बोल्ड है, इसको छोड़कर बाकी आपके पास यहाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट बाकी बचा है उसको यहाँ पे बताया गया कि आपको इसको अरेंज करना है, ठीक। तो ठीक है, अरेंज यहाँ पे करेंगे हम लोग, देखते हैं पहला में क्या करना है। तो यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे करना क्या है, आज ये फटाफट यहाँ पे देखिए। अब इस स्टेटमेंट पे ध्यान रखिएगा, वोकैब का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा, ठीक है, वोकैब का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है इसमें। तो देखिए, हम अगर यहाँ पे बात करें कि इट वाज हार्ड फॉर द अफगान, ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आया। अब अफगान के बाद यहाँ पे देखा जाए कि लीडिंग टू द सबटल प्लमटिंग ऑफ द मोरेवल टू विद स्टैंड द वेव आफ्टर वेव ऑफ एनिमी अटैक्स दियर प्लाइट फर्दर वर्जन द सिचुएशन एंड द इनडिफरेंस ऑफ द टूवर्ड ऑफ द एलाइज टूवर्ड। अब स्टार्ट क्या से करें, है ना, तो इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान, अफगान के बाद लीडिंग टू द सबटल प्लमटिंग, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि टू विद स्टैंड द वेव आफ्टर वेव ऑफ एनिमी अटैक्स, ठीक है, इट वॉज हार्ड, देखिए यहाँ पे इट वॉज हार्ड बताया गया है। क्यों हार्ड बताया गया, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, इट वॉज हार्ड फॉर अफगान, ये अफगान के लिए मुश्किल हो रहा है टू स्टैंड, ठीक है, टू विद स्टैंड द वेव आफ्टर वेव ऑफ एनिमी अटैक्स, मीन्स एनिमी का अटैक जो हो रहा है, बार बार एनिमी का जो अटैक हो रहा है उसे अफगान को क्या हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ पे सेंटेंस होगा आपका किससे,
आपका स्टार्ट होगा सेंटेंस क्यू से, तो क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो क्यू से तो ये भी नहीं होगा एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं हो गया एलिमिनेट हो गया, ये चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो आपको क्यू से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो आप एक बार में देख कर आंसर टिक कर देंगे, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान, ठीक है। एंड तो होगा नहीं, ठीक है, एंड द इनडिफरेंस, इसके एंड की बात है तो किसी और चीज़ की भी तो बात हुई होगी, ठीक है, तो यहाँ पे एंड होगा नहीं। एस वाला जो है, एस के पहले जो होगा कुछ तो होना चाहिए था, तो यहाँ पे ये होगा कि टू विद स्टैंड द वेव आफ्टर वेव ऑफ एनिमी अटैक्स एंड एंड इनडिफरेंस ऑफ अलाइज टूवर्ड्स, ठीक है। और ये क्या हो रहा है इसके बीच में, जो मित्र राष्ट्र हैं या सहयोगी राष्ट्र हैं उसमें क्या हो रहा है, ये बार बार अटैक होने से क्या हो रहा है उनमें इनडिफरेंस आ रही है, ठीक है, उनमें उदासी या कह सकते उदासीकरण की भावना आ रही है, वो वहाँ पे इनडिफरेंसेस आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ तो ये चीज़ हो गया कि आपका दियर प्लाइट उसके बाद हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, दियर प्लाइट फॉर द वर्जन द सिचुएशन लीडिंग टू, अब इस सिचुएशन क्या हो रहा है, लीड हो रहा है, इसे सिचुएशन क्या हो रहा है, लीडिंग टू द सबटल प्लम्पटिंग ऑफ द मोरेबल। अब मोरेबल से यहाँ पे क्या हो रहा है, उनके हौसला क्या हो रहे, उनके हौसले पर क्या हो रहा है, ये भारी पड़ रहे, बार बार अटैक जो हो रहा है ना अफगान के लिए, बार बार एनिमी का अटैक होना, ठीक है, और बार बार अटैक होना, और जो मित्र राष्ट्र हो उनके बीच में जो भी इंटरफ्रेंसेस हो रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उससे ये हो रहा है कि सिचुएशन तो बदतर हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सिचुएशन को बदतर बना रहे हैं और इससे क्या हो रहा है, उनके हौसले कमज़ोर पड़ रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि करना क्या था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान, एंड से स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है, अफगान के लिए हमें क्या लाना चाहिए, इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान, टू प्लस वी वन वाला यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये टू प्लस यहाँ पे है विद टू विद स्टैंड, विद स्टैंड का मतलब होता है सामना, ठीक है, विद स्टैंड का मतलब होता है सामना। तो देखिए वोकैब का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल होगा, इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कि एक यहाँ पे प्लम्पटिंग है, प्लम्पटिंग का मतलब होता है भार कह सकते हैं या बोझ उन पर बनते जा रहा है या दबाव बनते जा रहा है, ठीक है, बोझ या दबाव कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और विद स्टैंड का मतलब हो गया सामना। प्लाइट का मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा क्या होगा, प्लाइट का मतलब होगा यहाँ पे दूरदशा, ठीक है, यहाँ पे दूरदशा जो है उनकी जो स्थिति है उनके बारे में बात की। और अलाइज का होगा यहाँ पे मित्र राष्ट्र, ठीक है, मित्र राष्ट्र, क्लियर। और सबटल का मतलब यहाँ पे देख लीजिए सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म होगा या जटिल कह सकते हैं या जटिल कह सकते हैं। तो देखिए एक तो मैंने इस सेंटेंस को अरेंज किया, साथ ही साथ इसमें वोकैब का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले रहा। तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे समझ लिया था कि इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान, अगर टू से स्टार्ट होगा, टू विद स्टैंड, देयर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, देयर से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सिंगुलर था, तो यहाँ पे प्लूरल का तो कॉम्बिनेशन कभी बनता नहीं, एंड का भी कॉम्बिनेशन बनता नहीं क्योंकि उसके पहले एंड एक और कोई सब्जेक्ट जैसा कुछ होता, ठीक है, तो ये भी नहीं होता। और इट वॉज हार्ड फॉर द अफगान लीडिंग टू द सबटल प्लम्पटिंग ऑफ मोरेबल, तो ये अगर सेंटेंस उसको बना भी लेते हैं तो ये कंप्लीट अर्थ देगा ही नहीं देगा, क्लियर। तो आपका आंसर जो होगा ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की इंट्रोडक्शन ऑफ द फिनांस बिल वाज डिलेड, ठीक है, क्या होगा अब यहाँ पे डिलेड बजट एलोकेशन फॉर द कॉटेज डिबेटिंग ओवर द रिन्यूअल ऑफ द लास्ट ईयर्स बाय अ वीक एज द लॉ मेकर वर बिजी इंडस्ट्री विच गॉट वेस्टेड। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो सही है। सबसे पहले आपको ढूंढना है कि पहले किस चीज़ से हम स्टार्ट करेंगे, है ना, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि आर से तो स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है वाज प्लस वी थ्री प्लस वाई तो होगा जो कि पैसिव फॉर्म में होता है ना, पैसिव फॉर्म में होता है, क्लियर। तो ये तो ठीक है आपका वाई से स्टार्ट हो गया, वाई से स्टार्ट हो गया आपका, तो वाई से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस ये मीन्स कि वाई से स्टार्ट होगा जो कि आर है। आर से आपको कौन कौन सा ऑप्शन मिला, ए को एलिमिनेट कर दीजिए, बी एलिमिनेट हो गया, सी डी एलिमिनेट हो गया, आर से दो ही सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। तब देखिए बाय अ वीक एज द लॉ मार्कस व वीजी के बाद क्या होना चाहिए, वीजी के बाद क्या होगा, क्यू वाला आएगा सेंटेंस, वीजी किस में वीजी है भाई, जो वीजी है किस में है, डिबेटिंग ओवर द रिन्यूअल ऑफ द लास्ट ईयर्स, लास्ट ईयर का क्या, लास्ट ईयर का बजट, लास्ट ईयर का क्या, लास्ट ईयर का बजट,
तो ये होगा सी नंबर ऑप्शन, तो आर के बाद तो क्यू होता, तो एलिमिनेट ए भी हो गया आपका, ये सी नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अब आते हैं 24 में क्या, देखिए एज द फाइल्स वर बीइंग अरेंज्ड, ठीक है, बीइंग अरेंज्ड। अब देखिए बीइंग अरेंज के बाद यहाँ पे ये क्या है, वर्ब के बाद यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था, यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आना है, ठीक है, एक प्रीपोजिशन यहाँ पे आना है। तो प्रीपोजिशन लाने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अरेंज इनटू, एज द फाइल वर बीइंग, बीन तो होगा नहीं, ये तो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा नहीं, पी वाला, क्यू वाला भी नहीं होगा, एज द फाइल वर बीइंग अरेंज विच वर बिलीव्ड टू हैव, ये सेंटेंस कंप्लीट बनेगा ही नहीं। अच्छा बीइंग अरेंज अक्रॉस इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे जो आंसर यहाँ पे स्टार्ट होने वाला होगा अरेंज इनटू, ठीक है, अरेंज के साथ जो हम प्रीपोजिशन लगाते वो क्या लगाते, इनटू, तो ये आपका आर से तो स्टार्ट हो गया सेंटेंस, आर से स्टार्ट होने वाला सिर्फ आपके सामने एक ही ऑप्शन है, वो है ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। तो बस बाकी सब एलिमिनेट हो गए, एक नंबर यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को आप क्लिक करिएगा, आंसर ले जाएगा अरेंज इनटू अ क्या है, स्टैक द बटलर कैम अक्रॉस इन्फॉर्मेशन अबाउट सेवरल ऑफ द फैमिली। तो यहाँ पे ये हो गया, जो यहाँ पे इनटू स्टैक द बटलर कैम अक्रॉस इन्फॉर्मेशन अबाउट सेवरल ऑफ द फैमिली हायर ब्लूम्स के बाद क्या होगा आपका, इसके बाद क्यू कहा गया यहाँ पे, क्यू विच वर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विच वर की बात हो रही थी, तो ये फैमिली हैडलूम्स की बात हो रही है, यहाँ पे ये प्लोरल, इसलिए विच वर का यहाँ पे यूज ही इसलिए किया गया है। और विच वन डियर विच वर बिलीव टू हैव के साथ यहाँ पे क्या होगा, बीन, तो इसलिए क्यू के बाद यहाँ पे पी आएगा, क्लियर। चलिए 24 के बाद आते हैं अब 25 में है पी क्यू आर से जैसा ही, उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे क्या ईडियम फ्रेज का भी क्वेश्चन देखेंगे। अब देख लीजिए इसमें क्या है, द डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है संधि, द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इन द स्टेट विच वॉज के बाद तो वॉज तो आएगा नहीं, यहाँ पे देख लीजिए असेंबली की बात किया गया है। द डिसोल्यूशन जो होगा यहाँ पे या विघटन होगा कहाँ पे होगा, किसका होगा, असेंबली का विघटन स्टेट में होता है, तो ठीक है इनसे स्टार्ट होगा, पहला चीज इनसे स्टार्ट होगा, मीन्स कि पी से स्टार्ट होगा, तो पी से स्टार्ट होने वाला आपका यहाँ पे तीन स्टेटमेंट बचा है, दो एक कट गया। तो इन द स्टेट विच वॉज के बाद क्या होगा आपका, वॉज से तो शुरू होगा नहीं, टग ऑफ वॉर भी नहीं शुरू होगा, बल्कि ऑलरेडी से शुरू होगा। तो यहाँ पे पी के बाद क्या आना चाहिए आपका, विच वॉज आर, पी के बाद आर वाला स्टेटमेंट आना चाहिए था। तो हमें यहाँ पे जो 25 वाला क्वेश्चन में मिलेगा वो यहाँ पे क्या मिलेगा, 25 में जो मिलेगा आपका यहाँ पे होगा आंसर ये वाला होगा, ठीक है। तो ये पी के बाद हमें क्या होगा, विच वॉज ऑलरेडी मार्ड विथ, ठीक है, ऑलरेडी 25 में विच वर ऑलरेडी मार्ड विद। अब यहाँ पे मार्ड का मतलब समझिए, जो मार्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि हाँ भाई बिगाड़ना, ठीक है, बिगाड़ना, ठीक है। तो देख लीजिए विच वॉज ऑलरेडी मार्ड विद द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा इनस्टेबिलिटी वॉज फॉलोड बाई प्रोलॉन्ग ठग ऑफ वार फॉर सीजिंग ऑफ द पावर, क्लियर। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ मीनिंग भी बहुत ज़रूरी होता है, जैसे डिसोल्यूशन का मतलब था यहाँ पे विघटन होगा, मार्ड का मतलब होता है बिगाड़ना, प्रोलॉन्ग मतलब बढ़ाना, और ठग वार का मतलब रसाकसी के जैसा यहाँ पे मीनिंग होगा गाइस। तो इस वीडियो में बस आपको ये क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न आया था, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। इसके जस्ट बाद आपका जो है ईडियम फ्रेज पे भी क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगे। थैंक यू वेरी मच।